Which product is sexy? This product is sexy. इतना इतना सामान अकेले एक इंसान खींच रहा है यार। फिर से एक नए वीडियो में, लाजवाब वीडियो में तुम लोगों का दिल से स्वागत करते हैं। लास्ट तक बने रहना, आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं आजाद मार्केट। आजाद मार्केट में कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना है आज। अपना रूम से यहाँ तक आते आते हम लोगों को बहुत लेट हो चुका है यार। यहाँ का एरिया बहुत गजब लग रहा है, दुकानें लगे हुए हैं अच्छा खासा यार। पीछे साइड में मसाला उसाला का दुकानें बहुत सारा लगे हुए यार। और हम लोग को किस साइड जाना है, लोकेशन देखो यार, हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कौन साइड जाना है। यहाँ तो सामान अच्छी खासी लगी हुई है यार, और बहुत भीड़ भाड़ भी है रास्ता यार। देख रहा संकड़ी रास्ता, इधर उधर पूरा जाम है यार, उधर पूरा जाम है। इसी तरीके से अंदर घुस घुस के जा रहे हैं रवा। हम लोग जिस रूट में अभी जा रहे हैं, ये रूट बहुत बिजी रहता है यार, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अरे भाई कहाँ से जाएंगे रे, रास्ता तो है ये नहीं है रे भाई यार। ये रास्ता कहाँ कहाँ गलियों में घुस घुस के जाना पड़ेगा रे भाई। देख रहे हो यार पूरा का पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ यार, इतना भयानक जाम लगी है, हम लोगों को निकलना मुश्किल हो जा रहा है यार। यहाँ पे हम लोगों का तो क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगा इस जगह में यार। यहाँ तो दुकानें इतना ज़्यादा बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, बट जो प्रोडक्ट हम लोग एक्चुअल में खोज रहे हैं वो प्रोडक्ट यहाँ नहीं मिल रहे, मतलब दुकान ही नहीं दिख रही यार यहाँ पर। बट ढूंढते रहेंगे जब तक मिल नहीं जाते। यहाँ पे कहाँ पे मिल सकता है यार, दिल्ली का ये वाला हिस्सा जहाँ पे हम लोग हैं, ये वाला हिस्सा एकदम पुराना लग रहा है। यहाँ की घरें, यहाँ की रास्ता, यहाँ का सारा चीज़ पुराना लग रहा है। लोग तो नॉर्मली जैसे रहते हैं वैसे तो है, ये ऐसे दुकानें लगी हुई है यार यहाँ पे। अरे भाई इसका ढोने का देखो पैल जैसे धो रहा है यार ये तो। उधर भी दुकानें लगी हुई है पूरा, और इधर भी दुकानें लगी हुई है, लेकिन जो प्रोडक्ट हम लोग खोज रहे हैं वो प्रोडक्ट नहीं मिल रही यार। इतना इतना सामान अकेले एक इंसान खींच रहा है यार। देख रहा हूँ मेहनती बंदा यार, कंबल रहे भाई, इतना कंबल रहेगा तो कभी ठंडा नहीं लगेगा, गर्मी से मर जाएंगे रे बाबा। यहाँ पे कपड़ा उपड़ा बिक रही है, यहाँ पे एक दुकान में है जो सामान हम लोग को चाहिए था, वो देखते हैं यहाँ पर सामान उमान मिलता है या नहीं। अच्छा हम लोग के लाइक दिखाइएगा भैया, हाँ यूज करना है आपको अभी नॉर्मली ठंडा सीजन के लिए। स्लीपिंग बैग, माय कोट, चे वाला कलर सही लगा, चे वाला कलर। ये वाला निकालना, चे वाला चल रहा है, बट ये मटेरियल तो ब्लैक में है ना, नीला है, भूरा। ये एक बार देख लेते हैं, ये रही ये प्रोडक्ट। Which product is sexy? This product is sexy. इसका रेंज क्या है? ये 800। और ये 850 नीचे वाली। Which is better? Tell me bro, which is better? अपन को तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा better। ये वाला product पसंद आया ये। लोगों का शॉपिंग हो गया, हम लोग स्लीपिंग बैग परचेस कर लिए हैं। ये वाला बैग जो पीछे दिख रहा है, ये वाला बैग जो टूरिस्ट बैग है पीछे, वो हमने खरीद लिया है। हम लोगों को यहाँ पे टेंट लेना था, बट टेंट शायद नहीं, आज नहीं हो पाएगा। अगर हो जाता है पॉसिबल तो ले लेंगे, कोई बात नहीं है। बट हम लोग का लगभग शॉपिंग हो गया है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। कितने का है? 700। यहाँ पे कंबल देख रहे थे, बट कंबल पसंद नहीं आया यार। अब जाएंगे सरोजनी मार्केट, क्योंकि सरोजनी मार्केट में प्रोडक्ट सही था। यहाँ तो जाम बहुत ज्यादा है रे बाबा, किधर जाएंगे रे, साइड साइड चचा, साइड साइड। अरे यहाँ तो पैल जैसा खींचता है रे बाबा। अरे भाई यहाँ आगे में क्या हो गया, अरे भाई ये तो एक्सीडेंट हो गया रे, भयानक वाला रे बाबा। बीच रोड में एक टायर टेढ़ा हो गया। यहाँ पे यार मसाला का अच्छा खासा दुकानें लगी हुई है यार, देखो साइड में सूरज का रोशनी से दिख नहीं रहा है, ठीक से बोरा बोरा में यार बिक रहा है। यहाँ पे लोगों का क्रेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है यार। यहाँ पे लहसुन उसन भी ज़बरदस्त बिक रहे है भाई, मछली बिक रहा है। पहले बार देखे हैं कि मछली रोड के किनारे बिक रही है। देखो भाई देखो, पीछे तो देखो। जिस लोकेशन में अभी है उस लोकेशन को बोलते हैं आजाद मार्केट।
यहाँ पे हर चीज़ें आराम से मिल जाएगी यार। जैसे कि हम लोगों ने आज दो चीज़ें खरीदी हुई है, एक स्लीपिंग बैग और एक टूरिस्ट बैग, जिसे हम पीछे कैरी किए हुए हैं। यहाँ से मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं। चाचा हम लोगों को पार होने दे। लगता है हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँच गए। मेट्रो घुसने के लिए यहाँ पर दरवाजा दिख रहा है, पैदल पार पथ। यहाँ से अंदर घुस के भूतिया प्लेस जाएंगे। अपन तो कहाँ कहाँ घुस गए अरे बाबा। फिर हम लोग पहुँच गए ओवर ब्रिज में यार। इधर देखो गाड़ियाँ चल रही है और इस साइड में भी गाड़ी चल रही है और हम लोग बीचों बीच में ऊपर के साइड में है। हम लोग मेट्रो स्टेशन घुस गए अंदर। ये जो कूपन है ना, इसमें अभी 150 बचा हुआ है, इससे अभी घर आराम से पहुँच सकता है। 40 रुपया कुछ लगा था हम लोगों को रेंट से यहाँ तक आने में। हम लोगों का ट्रेन आ गई। हम लोग सरोजनी मार्केट आने वाले थे तो यार घूम लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे पावर बैंक देख लेते हैं कहीं पे पावर बैंक, क्योंकि हम लोगों को पावर बैंक लेना है। सौरवे देखो रे भाई, देखो भीड़ भाड़ यार। हम लोग इतना भीड़ में जो दुकान खोज रहे हैं वही दुकान नहीं मिल रहा है यार। हम लोगों को चाहिए पावर बैंक। देखते हैं भटकते भटकते कहीं मिल जाए तो अच्छा है। परफ्यूम यूज नहीं करते भाई। यहाँ पे रास्ते में टोकने वाले, मतलब बेचने वाले हजारों लोग टोकेंगे लेने के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए हजारों लोग टोकेंगे यार। बट जो जरूरत ही नहीं उसको क्यों लेना यार। स्लीपिंग बैग लेगा भैया। यार यहाँ पे कौन सी गली में घुस रहे हैं पता ही नहीं चलता है। हर एक गली तो नया ही लगता है यार। यहाँ पे दो दुकान मिला था हम लोगों को पावर बैंक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, बट वहाँ लोगों को प्रोडक्ट पसंद नहीं है। अब देखेंगे कहीं दूसरी जगह में अगर मिलता है हम लोगों को पावर बैंक तो ठीक है, वरना ऐसे ही खाली हाथ जाना होगा हम लोगों को। जब यहाँ पे पुलिस का गैंग आती है ना, भीड़ लगा के बेचते हैं, वे लोग इधर उधर घुस जाते हैं, किधर घुस जाते हैं पता भी नहीं चलता है यार। जो लेने था वो तो लिया नहीं, इसके अलावा एक पसंद आया था पैंट, तो पैंट पसंद आया तो पैंट ले लिया। तो यार भाई हम लोग सरोजनी मार्केट से बाहर निकल चुके हैं, अब जाते हैं अपने रूम, क्योंकि हम लोगों का लगभग शॉपिंग हो चुका है। जो चीज़ एक्चुअल में खोज रहे थे वो तो मिला नहीं, बट कोई नहीं, कहीं और से देख लेंगे। अब चलते हैं सरोजनी मेट्रो स्टेशन, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से मेट्रो पकड़ना होगा अपना रूम तक, सेक्टर 81 तक जाने के लिए। अरे भाई यहाँ पे लाइन लगी हुई है, यहाँ पे यार मेट्रो स्टेशन में तो लाइनें लगी हुई है लंबा चौड़ा। हम लोग जस्ट अभी मेट्रो स्टेशन से उतरे हैं यार। हम लोग का मोहल्ला जहाँ रहते हैं हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं यार। इधर का भोजन में ताकत ही नहीं मिलता है यार, क्या करेंगे, किसी तरीके से रह रहे हैं। क्वालिटी वाली खाना नहीं मिलता है यहाँ पे यार। तो यार फाइनली हम लोग रूम पहुँच गए। अभी दिखाते हैं क्या क्या हम लोग परचेस किए हैं, क्या क्या हम लोग सामान लिए हैं। देखो यार ये प्रोडक्ट है टूरिस्ट बैग, इसमें अपना सारा सामान ढो सकते हैं इजीली। कुछ 950 बोला था, 900 में डाल लिए थे इसको। इस साइड में यहाँ पे जूता डालने के लिए है और इधर अपना सामान डालने के लिए स्लीपिंग बैग, वो दिखा देते हैं इसको तो वही दुकान में ही दिखा चुके हैं कैसा प्रोडक्ट है। और इधर और एक सामान लाए हुए हैं, ये है वो प्रोडक्ट 250 का पैंट। इस पैंट का ट्राई किया जाए। आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और यार सब्सक्राइब करने तो भूलना मत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।